नमस्कार, वेलकम टू एक्सार्बिशमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे कि एक करेंसी नोट का एक साइड और दूसरे साइड। इंटरनेट के बिना हम अपनी जिंदगी आज कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में देखें, जिंदगी का हर मोड़ में आपको इंटरनेट का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। 1965 में सबसे पहले ये इंटरनेट शुरू हुआ था यूएस आर्मी में। यस, आप और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार आर्पानेट नाम का ये नेटवर्किंग शुरू हुआ था, जो आज का इंटरनेट का एक अर्लियर वर्शन। सो फ्रेंड्स, दुनिया बहुत आगे बढ़ गया। 1990 के बाद इंटरनेट पूरी दुनिया में ऐसे फैल गया और 1965 से लेकर के लगभग 1990 तक इंटरनेट का बहुत सारे रिसर्च चलते आया और उसको पॉपुलर एंड कमर्शियल बनाने के लिए कोशिश चलती रही। अरे 90 से लेकर के 2020, 30 सालों में इंटरनेट दुनिया को एक दूसरे हाइट में लेके आया, इस दुनिया का सिविलाइजेशन को। आप सोचिए, 90 से पहले का हर जगह का जो एक्टिविटीज था, 1990 का बाद का जो एक्टिविटीज है, ये सारे एक्टिविटीज में कितना अंतर आ गया। एक एक करके सारे चीज आपका ऑनलाइन होते जा रहे हैं, ऑनलाइन होते जा रहे हैं, ऑनलाइन होते जा रहे हैं। जब सारी दुनिया में इंटरनेट छाया हुआ है, दुनिया पूरा डिजिटलाइज हो रहे है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो फिर इंडिया क्यों पीछे रह जाए। 2015 में इंडिया में भी शुरू हो गया डिजिटल इंडिया मूवमेंट, ई क्रांति। अब हम एक सर्विसमैन क्यों पीछे रहे, क्योंकि इंटरनेट का जन्म ही तो हुआ था डिफेंस में, यूएस आर्मी में इंटरनेट का जन्म हुआ था, तो फिर आर्मी वाले होकर हम क्यों पीछे रहेंगे। हमें भी लीडिंग रोल प्ले करना है। यस, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और प्रूव करना है इसका 100% उपयोग हम अपना जिंदगी में कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ प्रोसेस हम बताएंगे जिससे कि आप बने 100% डिजिटल, 100% आप इंटरनेट का 100% इस्तेमाल करें और जिंदगी को बिल्कुल आसान बनाएं। सो फ्रेंड्स, मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, इंटरनेट का यूज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात सिर्फ है मेंटालिटी का। अगर आप एक बार अपना मेंटालिटी को सेट कर लें कि दुनिया जिस जगह में पहुंचा हुआ है हमें वहां से शुरू करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से आप शुरू कर पाएंगे और आप इंटरनेट का 100% सदुपयोग करके अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे, अपने बच्चों का ज़िंदगी को खुशहाल बना सकेंगे। पर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इंटरनेट यूज़ करना जितना हमारे लिए अच्छा है उतना ही इसमें बुराइयां भी है। दोस्तों, हर चीज़ का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों तो रहता ही है। कोई आप दवाई जब खाते हैं तो उस दवाई का भी एक साइड इफेक्ट रहता है, ऐसे ही इंटरनेट का भी साइड इफेक्ट है। पर उस साइड इफेक्ट को आप 100% तक कट कर सकते हैं अगर आपको वो सारी चीज़ें पता हो कि कैसे हम इंटरनेट का सेफ एंड सिक्योर यूटिलिटी इंश्योर करें। पर आज पहले हम देखेंगे कैसे हम इंटरनेट को अपने ज़िंदगी का हर मोड़ पे अप्लाई करें और फिर हम देखेंगे कैसे इसको ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल करें ताकि कोई फ्रॉड ना हो, कोई इसका गलत इस्तेमाल ना हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, इंटरनेट इस्तेमाल करने का जो तीन वजह है, फर्स्ट थिंग है, आपको जहाँ फिजिकली जाना पड़ता था पहले, वो वहाँ पर फिजिकली जाने का ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, आज से 50 साल पहले इंडिया में आप कहीं खबर पहुंचाने के लिए आपको पैदल या फिर गाड़ी में बैठ के जाना था,
वहाँ पे खबर पहुँचा के आना था। फिर आया टेलीफोन, टेलीफोन आने के बाद एक बार फोन कर दिए तो वो समाचार वहाँ पहुँच गया। और अब आया टेलीफोन से भी एडवांस्ड इंटरनेट आ गया। इंटरनेट की वजह से क्या है, आपको जो काम कहीं जाके करना था वो घर बैठे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका फिजिकल मूवमेंट को मिनिमाइज करने के लिए आपका आपको इंटरनेट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। आपको आज रेलवे रिजर्वेशन करना है, आप सोचिए तो 10 साल 15 साल पहले आप क्या करते थे, रेलवे स्टेशन में जाके रिजर्वेशन का लाइन में घंटों भर खड़ी रहकर आप रिजर्वेशन करवाते थे। आज आप घर बैठ के आराम से आपका लैपटॉप पीसी या फिर मोबाइल से आप वो रिजर्वेशन करवा पा रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारे सुविधाएं हैं, इसके अगर हम लिस्ट बनाते रहेंगे वो एंडलेस है, क्योंकि जिंदगी का हर मोड़ में इंटरनेट है। सो एक जो फायदा वो है आपका फिजिकल मूवमेंट को कम, दूसरा जो फायदा है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसे पहले क्या सिस्टम था कि आपको हर काम के लिए सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, वहाँ जाएंगे सरकारी दफ्तर वाले, वहाँ का जो डीलिंग स्टाफ है वो आपसे कैसे बिहेव करेंगे पता नहीं, आपको कितने बार चक्कर कटाएंगे, फिर गलत जो बिहेवियर है जैसे कि ब्राइबरी, ये तो हकीकत है, ये तो आप जानते ही हैं। घूस के बिना बहुत कम जगह है जहाँ पे काम होता है, खास करके इंडिया में। तो ये सारी चीज़ अभी बंद हो गया जब ऑनलाइन हुआ, तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन जब से मिनिमाइज हुआ तब से ये सारी चीज़ बंद हो गया। तो ये दूसरा फायदा था, दूसरा फायदा इंटरनेट यूज़ करने का ये है। और तीसरा जो फायदा है वो है स्पीड। जिस काम के लिए आपको घंटा या दिनों तक कई दिन लग जाता था, अब वो काम आप मिनटों में कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है आपका ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आई थिंक काफ़ी है। फोर्थ और एक फैक्टर है जो है इकोनॉमिक फैक्टर। हाँ, इस फैक्टर को भी हमें अकाउंट पर करना है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं खुद जाके काम करवाते हैं तो उसमें आपका पैसा काफ़ी वेस्ट होता है। आप घर बैठ के अगर वो काम करेंगे तो आपका पैसे का भी काफ़ी बचत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो इंटरनेट यूज़ करने का जो फ़ायदा है वो आप सब जानते हैं, मैं केवल एक बार आपको दोहराया ताकि आपको ये याद रहे कि क्यों मैं इंटरनेट का यूज़ करूँ। अब देखते हैं कि हम कैसे इस इंटरनेट को यूज करके एक डिजिटल एक सर्विसमैन बनेंगे। यस, देखिए सबसे पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए चार चीजें आपको दिमाग में लाना है। फर्स्टली आपका कॉन्फिडेंस, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नंबर टू, आपको मिनिमम इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए। अगर इसमें कहीं कमियां हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूं, इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छा सा किताब मिलता है जिसका नाम है रैपिडेक्स स्पोकन इंग्लिश। इस इंग्लिश का किताब को आप मार्केट से खरीद लें। ऑनलाइन अगर खरीदते हैं तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है समझने में या लिखने में पढ़ने में, तो आप अपना इंग्लिश का जो स्किल है उसको इम्प्रूव करें। नंबर थ्री है, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें आपका पीसी, लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल, जहाँ कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपका फायरवॉल एक्टिव हो, और दूसरा आपका एंटीवायरस अपडेट रखें। एंटीवायरस का बिना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करना बिल्कुल ही अनसेफ है। आपको साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। साइबर फ्रॉड कहीं ज़्यादा बढ़ गया, कहीं गुना बढ़ गया। अब 10 साल पहले का राज का अगर हम साइबर फ्रॉड का बात कर रहे हैं तो लगभग 20 टाइम्स बढ़ गया अभी जो केसेस है। अभी साइबर क्राइम ब्रांच हर पुलिस स्टेशन में बना हुआ है, बड़े जो शहरों में है साइबर क्राइम ब्रांच बन गया, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको चौकन्ना रहना है, आपको सावधानी से
जो है कोई भी साइट में आप जाते हैं ट्रांजेक्शन जो मनी ट्रांजेक्शन करते हैं इसको आप बिल्कुल सावधानी बरकरार रखे करना है। OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपना यूजर ID, अपना पासवर्ड किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना, आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो गलती से भी किसी को ना दिखाना ना बताना ना भेजना, वो बिल्कुल सेफ चीज़ है। ना कोई पासवर्ड चाहिए ना कोई OTP चाहिए, केवल मात्र आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर अगर दूसरे के पास है तो उसी से वो आपका अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रख के फिर आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कौन कौन सा काम कैसे आप करेंगे। सबसे पहले देखिए इंटरनेट के थ्रू जो काम आपको करना है आप 3 तरह का काम इंटरनेट से करते हैं। फर्स्टली आप सोशल साइट्स ऑपरेट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इस टाइप का जो सोशल नेटवर्किंग जो आप ऑपरेट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जो आप लगे रहते हैं, ये है टोटल जो इंफॉर्मेशन कम कम्युनिकेशन कम एंटरटेनमेंट इसके लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी का ज़रूरत नहीं है जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का है, फिर भी सावधान तो रहना ही है, कोई गलत चीज़ें आप उसमें पोस्ट ना करें ना कोई गलत कमेंट्स करें, चीज़ें आपको लगता है ठीक नहीं है उसको अनदेखा करें। तो सोशल साइट्स में भी आपको चौकन्ने रहना है, नहीं तो आप कहीं लीगल विक्टिम भी हो सकते हैं। दूसरा जो आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो है आपका डाटा फीडिंग। डाटा फीडिंग क्या है, आप बहुत सारे जगह में अप्लाई करते हैं, जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं आपको लैंड या फ्लैट का म्यूटेशन करना है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, कहीं आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए अप्लाई करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इस टाइप का जो डाटा आपको फिल करना होता है सबमिट करना होता है रिटर्न सबमिट करना होता है या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना होता है इस टाइप का जो काम करते हैं। तीसरा जो कंडीशन है तीसरा जो टाइप है वो है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि पेमेंट करते हैं भुगतान करते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराते हैं या फिर पोस्टपेड है तो पोस्टपेड का बिल पेमेंट करते हैं, गैस बुकिंग कराते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं, इस टाइप का हजारों जो आपका डेली नीड्स होता है उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, तो ये सारे पेमेंट आपको करना होता है। तो तीनों चीज़ों के लिए क्या क्या सावधानी आपको बरकरार रखना है वो हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग के बारे में तो आपको बताया कि सोशल नेटवर्किंग जब भी आप करते हैं तो वहाँ वो आप अपना खुद का मोबाइल या खुद का PC से ही करें, आप ऑफिस का PC में या दूसरे का PC में या दूसरे का लैपटॉप में कभी भी इसको लॉगिन ना करें। अगर गलती से आपने कर दिया तो उसको प्रॉपर टाइप का लॉगआउट करें और हिस्ट्री डिलीट करें, नहीं तो इसका गलत उपयोग हो सकता है और आप आगे कभी फंस सकते हैं। दूसरा जो है आपको जो बताया डाटा फीडिंग, डाटा फीडिंग यानी कि किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना। तो ये जो अप्लाई करते हैं आप किसी चीज़ के लिए, केवल अप्लाई ही नहीं कभी आप स्टेटस चेक भी करते हैं किसी चीज़ का, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ डाटा इनपुट करना पड़ता है तभी वो स्टेटस आप देख पाते हैं, इसलिए इसको हम डाटा फीडिंग कैटेगरी में रखा है। तो डाटा फीडिंग कैटेगरी में जब भी आप किसी आपका अपना PC या मोबाइल या लैपटॉप से आप काम करते हैं तो डाटा फीडिंग में इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि आपका जो सेंसिटिव डाटा है वो चोरी हो सकता है, इसलिए आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉपर टाइप का फायरवॉल एंड एंटीवायरस प्रॉपर हो। आपका PC या लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है तो आप आज ही उसमें एंटीवायरस ले लीजिए। आप कौन सा एंटीवायरस लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, फिर भी मैं अपना PC में जो यूज़ करता हूँ वो क्विकल यूज़ करता हूँ, अपना लैपटॉप में मोबाइल में मैं मैकेफी यूज़ करता हूँ जो कि बेस्ट है मोबाइल के लिए। तो ये दोनों का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आप देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था डाटा फीडिंग का, और तीसरा है आपका फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ बिल पेमेंट परचेज बुकिंग रेंट पेइंग
फीस पेइंग, ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए आप कैसे पेमेंट करेंगे? देखिए, सबसे सेफ एंड सिक्योर जो पेमेंट है वह है यूपीआई। यूपीआई जो है प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऐप हैं यूपीआई का, जिसमें से एक पेटीएम है, एक है गूगल पे है, और इस तरह का कई सारे ई वॉलेट सिस्टम अभी मार्केट में आया हुआ है, जो कि आपको यूपीआई लिंक्ड है, जहाँ पे आप अपना यूपीआई अकाउंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे पेटीएम यूपीआई है, भीम यूपीआई है, गूगल पे यूपीआई है, फोन पे यूपीआई है, इस तरह का और भी कई सारे यूपीआई है, बहुत सारे बैंक का अपना यूपीआई भी है, तो आप कोई भी यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना पेटीएम का यूपीआई यूज़ करता हूँ, और मुझे लगता है काफ़ी सरल सा इसका जो एप्लीकेशन है, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं, आपको बहुत आसान सा 2-3 स्टेप में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कई जगह में हमें नेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ता है, जहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। तो आप जिस बैंक से सैलरी ले रहे हैं, जिस बैंक से आप अपना पेंशन ले रहे हैं, उस बैंक का जो अकाउंट है, उसमें आप आराम से नेट बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रॉपर नियम मान के चलेंगे तो फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लीजिए, और नेट बैंकिंग का जो है एप्लीकेशन कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ध्यान रहे कि नेट बैंकिंग का जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो बिल्कुल सेफ रखें, और पासवर्ड को आप महीना में कम से कम 2 बार चेंज करें। पासवर्ड आप जब चेंज करते हैं तो आप अपना कोई सेफ एंड सिक्योर जगह में उसको नोट करके रखें, ताकि वो किसी आदमी का हाथ ना लगे, क्योंकि पासवर्ड और यूज़र आईडी अगर किसी को पता चल गया तो आपका अकाउंट साफ कर सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रख के कीजिए, और नेट बैंकिंग कभी भी अपना पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल पीसी या मोबाइल का अलावा और किसी जगह में गलती से भी इसको लॉगिन ना करें, ये मेरा सजेशन है। सो फ्रेंड्स, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपने देख दिया, और ये दोनों चीज़ों का जो उपयोग करके आप फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कीजिए और ज़िंदगी को बिल्कुल आसान बनाइए। सो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ आप एक बार जब जान गए इस्तेमाल करना, तो आप खुद ही अपना ITR भी फाइल कर सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट के लिए या बच्चों का वोटर ID कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको चिल्ड्रन एडुकेशन के लिए अप्लाई करना है KSB का वेबसाइट में, वहाँ भी आप आराम से कर सकते हैं, आपको अपना व्हीकल का लीगल स्टेटस देखना है, व्हीकल इंश्योरेंस आपको रिन्यू कराना है, रोड टैक्स पे करना है, ये सारी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं। हाँ, आपको अभी सीखना है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, जो कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना एक वीडियो में, जो कि इतने सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आप नेट बैंकिंग करें और कैसे आप UPI का उपयोग करें। सो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो में डिजिटलाइजेशन का रिलेटेड इतना ही था। डिजिटलाइजेशन एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसके लिए बात करेंगे तो काफ़ी लंबे समय चाहिए, इसलिए एक वीडियो में जितना पॉसिबल था सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में और कुछ जानकारियां आपसे शेयर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।